गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। गाइस मेक श्योर यू लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अ रेगुलर अपडेट। आज मैं बात करूंगा क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग योर गन। एज यू गाइस नो कि एयर गन को मेंटेनेंस की बहुत कम जरूरत होती है। यू डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस फॉर एन एयर गन क्योंकि इसके अंदर कोई गन पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता है। इट्स वेरी लेस रेसिड्यू। बट सम टाइम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे बताने के बावजूद बहुत से लोग जो है इसके अंदर यूज्ड पैलेट, यूज्ड बीबी डाल देते हैं या फिर पैलेट्स को प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं। तो उस उस सिचुएशन में क्या होता है कि बैरल के अंदर बीबीज फंस जाते हैं, पैलेट्स फंस जाते हैं एंड फिर वो निकलता नहीं है। या मे बी कभी कभी क्या होता है, पैलेट ही इस तरह से बना होता है कि इसके अंदर फंस जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करें, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो पैलेट के रेसिड्यू भरते 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 अंदर आपके पैलेट्स जाम हो जाते हैं, तो क्या किया जाए एंड हाउ टू रिमूव दैट एंड हाउ टू मेंटेन, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं चीप इंडियन एयर गन्स के बारे में। तो ये जो गन्स हैं बहुत सस्ती आती हैं, आपको पता है 1,000-2,000 रुपए के नीचे ही मोस्ट ऑफ दी गन्स आती हैं। बहुत ज़्यादा महंगा ये नहीं है, वो भी इंक्लूडिंग शिपिंग वगैरह की बात करूँ तो ये सब सस्ती गन्स हैं। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए हमारे पास एक सस्ता ये होता है, क्लीनिंग किट है, ये बहुत सस्ता आता है। इट्स बेसिकली रॉड, ये बेसिकली पिस्टल्स के लिए भी नहीं है। हार्डली मैंने कभी इसके अंदर पैलेट्स को जाम होता हुआ देखा है, जाम वैसे होता नहीं है। और सच बताऊँ तो अगर मेरे साथ कभी जाम होता भी है तो आई यूज़ ए स्क्रू ड्राइवर टू गेट इट आउट, और वैसे होता ही नहीं है, बहुत रेयर होता है कि आप पैलेट्स के अंदर फंसा दें। क्योंकि जब भी एक बार पैलेट फंसता है तो मैं उसको दोबारा कॉक करके बाहर निकाल लेता हूँ। अनलेस अंटिल आप इसके अंदर बहुत से मल्टीपल पैलेट डाल दें तो एक अलग बात है, उसके अंदर भी जनरली ये स्क्रू ड्राइवर से निकल जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि 2,000 की गन के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करें। हाँ, बट अगर आपका इंडियन एयर राइफल है तो ये मैं एयर राइफल के लिए करता हूँ। एयर राइफल में कभी कभी क्या है कि पैलेट्स फंस जाते हैं क्योंकि उसका बैरल आपको पता है लंबा होता है। तो ये एक क्लीनिंग किट होता है, ये बहुत सिंपल है, आप बस इसको यूँ घुमाते हो तो आपके पास एक बड़ा स्टिक बन जाता है, जस्ट लाइक दिस, एक लंबा चौड़ा स्टिक। देन उसके सामने आप ये डालते हो क्लीनिंग का, इसको पुश करते हो, सिर्फ इसके बिना ही आप पुश करोगे तो पैलेट बाहर निकल आएगा। देन आप इसको लगाइए, ये एक ब्रश है, उसमें डाल करके आप साफ कर दीजिए। मशीन ऑयल लेना है आपको, मार्केट में मशीन ऑयल बहुत ईजिली मिल जाता है, टेलरिंग वगैरह के काम आता है, आप हार्डवेयर के स्टोर से लेकर के उसको साफ कर दोगे एंड योर गन विल बी परफेक्टली राइट, बहुत शानदार चलेगा। अब जो CO2 गन्स है ये तो जनरली इंडियन पिस्टल्स, इंडियन राइफल सस्ते गन्स के लिए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आप देख नहीं सकते उसके ऊपर। आप आई डोंट नो कैमरे पे आपको दिख रहा है कि नहीं है, इस पे कलर वगैरह फेड आता है, देसी तरीके से बनाया गया है, नॉट वेरी गुड क्वालिटी। वी हैव समथिंग, दिस इज़ इम्पोर्टेड क्लीनिंग किट, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है। अनलेस आपके पास CO2 गन है या बहुत महंगी इम्पोर्टेड राइफल या पिस्टल्स नहीं है तो इसको आप परचेस मत करिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अनलेस यू हैव समथिंग वेरी एक्सपेंसिव आप इसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेटर है। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव क्लीनिंग किट, आप देख सकते हो ये ऐसे बॉक्स में आता है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर समवन जिसके पास एयर गन हो, आप उसे गिफ्ट करना चाहें तो आप ये इसे गिफ्ट कर सकते हैं, गिफ्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, वेरी नाइस ना। अगर आप चाहें तो खुद को भी गिफ्ट कर सकते हैं, सब प्रीमियम क्लीनिंग किट, ये हमारी कंपनी के हैं। इसके अंदर आप मशीन ऑयल रखिए, पेलगन ऑयल मत डालिए क्योंकि पेलगन ऑयल जो है सिर्फ सील में डालते हैं, बहुत से लोग गन में भी डाल देते हैं, गन में नहीं डालना है। दिस इज ओनली फॉर मशीन ऑयल, इसके अंदर मशीन ऑयल डालिए, राइफल्स वगैरह के बैरल में हल्का सा डाल सकते हैं, सील वगैरह पर मशीन ऑयल को भी मत डालिए। ये स्टिक आता है इसके साथ, आप देख सकते हो जो सिमिलर स्टिक है, ये हमारे पास स्टिक है और उसी से इसका जो है इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये चार स्टिक आपको मिलता है इसके साथ, दो दो चार, तो आप इसको बड़ा कर सकते हो। देन यू गेट अटैचमेंट, ये एक कपड़े का वुलन अटैचमेंट है, इससे आप क्लीनिंग कर सकते हो। दिस इज द ब्रश, बहुत ही शानदार, बहुत ही एक्सपेंसिव, आप देख पा रहे हो अच्छी क्वालिटी का ब्रश है आपको इसका मिलता है। देन यू गेट अनदर अटैचमेंट, ये दो और आपको मिलते हैं पतले के लिए, अगर आपके पास बड़ी बोर का गन है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस पर आप कपड़ा डाल करके क्लीनिंग के लिए है, फ्लोन्तुर जिसे कहते हैं। दिस इज द होल्डर, तो इसमें जो आप देख सकते हो लकड़ी का बनाया हुआ था हाथ से, ये मशीन का बनाया हुआ है, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी कूल, ये रोटेट करता है,
वेरी कूल, वेरी वेरी हाई क्वालिटी सब कुछ जो आप देख सकते हो, बहुत हाई क्वालिटी का। नीचे पैचेस हैं इसके नीचे, एंड दिस इज अ वुलन फेल्ट। ये क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये बहुत छोटे छोटे 0.177 की गन्स के लिए बहुत, यू नो, आप देख पा रहे हो कैमरे में, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। आप इसको डालते हो एंड यू रब इट, सारे डस्ट वगैरह ये कैप्चर कर लेता है एंड इट क्लीन्स इट। ऑल्दो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है CO2 गन्स को, अनलेस यू आर समवन जो चीज़ों को मेंटेन करना जानते हैं या केयर करना जानते हैं, ये उनके लिए है। दिस इज़ दी ब्रश टू क्लीन स्टफ, है ना, कई बार स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं या डस्ट वगैरह पड़ जाते हैं तो आप उसको क्लीन कर सकते हो। ये बड़ा ब्रश है, ये छोटा ब्रश है। दिस इज द होल सेट दैट यू कैन बाय फ्रॉम अस। बट अगेन एज आई टोल्ड यू कि अगर आपके पास एक्सपेंसिव गन्स हैं, CO2 गन्स हैं, तभी से परचेस करिए, देन एल्स आई वोंट रिकमेंड यू। तो ऑर्डर कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, द वेबसाइट इज airsoftgunindia.com, उस पर क्लिक करेंगे आपको एक्सेसरीज के कॉलम में ये मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये दोनों गन्स इसलिए बताया गया था कि क्लीनिंग कैसे करें, तो समझ लीजिए इसके अंदर BBs फंस गया तो आप सामने से पुश कर सकते हो। जनरली फंसते नहीं हैं, ऑल्दो आप यू नो दैट CO2 गन्स में ऐसा कोई इशू नहीं आता अनलेस आप इसके अंदर यूज्ड BB का इस्तेमाल करें। ये ब्लैक ऑप्स है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप खरीद सकते हैं, इसके भी डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास पेमेंट्स के सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको वेबसाइट से ऑर्डर करना नहीं आ रहा है तो क्या करें, वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट के नीचे आप कॉल बैक रिक्वेस्ट देखोगे, उस पे आप अपना नंबर डाल करके ओके कर दीजिए, हमें रिक्वेस्ट आ जाएगा, हम 24 घंटे के अंदर आपको कॉल कर लेंगे, या आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं airsoftgunindia@gmail.com पे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, टिल देन गाइस हैव फन।